गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि मेंस का एग्जाम हो चुका है और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कलकत्ता में मेरा एग्जाम था और घर आते आते ही 10 बज चुका था, तो फिर समय नहीं मिला। अभी मैं इसका एनालिसिस करने वाला हूँ, तो मैं एग्जाम दे के आया हूँ तो आपको बेहतर तरीके से बता पा पाऊंगा कैसा क्या रहा। तो पहले करते हैं मैथ्स का एनालिसिस, ठीक है? तो मैथ्स को हम लोग बोल सकते हैं कि इस बार मॉडरेट आया है, मॉडरेट था, और ये बिल्कुल प्री में जैसा क्वेश्चन आया था इस बार 2020 में, सेम उसी टाइप का था, ठीक है? इसको अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर ले पहले तो ज्यादा बेटर होगा, अरिथमेटिक, अरिथ और एडवांस। तो पहले अरिथमेटिक में देखते हैं। तो देखिए, अरिथमेटिक में कोई ऐसा फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं था, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेटिव था, जैसा कि आपको 2020 के प्री में देखने को मिला था, वैसा ही सिमिलरली सेम एकदम उसी टाइप का था, कैलकुलेटिव, ठीक है? और ऑप्शंस भी जो दिए गए थे वो काफी क्लोज थे, ठीक है? ऑप्शन भी काफी क्लोज थे, तो ऐसा नहीं है कि आप अंदाजा लगा के अप्रोक्सीमेट करके निकाल देंगे, अप्रोक्सीमेशन में दिक्कत हो सकता था, यूनिट डिजिट से या फिर आप नॉर्मल 2 डिजिट लास्ट के उससे आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन में लास्ट के 3 डिजिट भी सेम दे रखा था, तो कैलकुलेटिव थोड़ा था। जिन्होंने कैलकुलेशन सही से नहीं किया मॉक में तो दिक्कत होगा ही, अगर आप वहां पे जाकर डायरेक्ट करते हैं, या जो 2 घंटा बैठ कर मॉक नहीं देता है, मान लीजिए बीच में 1 घंटा हुआ पॉज कर दिया फिर दिया, तो उनको दिक्कत होने वाला है। फिर आते हैं अब एडवांस की तरफ। एडवांस में सबसे पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत खतरनाक था इस बार, इसमें बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ठीक है? और आप इस बार अगर 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री पुट करने का कोशिश करते भी हैं, तो 30 डिग्री, 60 डिग्री पुट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत बड़ा था। 45 पुट करेंगे तो ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे ए बी सी डी कि कोई दो ऑप्शन से मिल जाए, अगर 40 पुट कर रहे हैं तो बी और डी मान लीजिए से मिल जाए, इसमें साइन दिया है, इसमें कॉस दिया है, ठीक है? इसमें सेक दिया है, इसमें कोसेक दे दिया है, या फिर इसमें टैन दिया है, इसमें कॉट दिया है, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था, तो कोई भी दो ऑप्शन सिमिलर हो जा रहे थे तो ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं हो रहे थे। या तो आपको 30 डिग्री पुट करना होता है, 30 डिग्री पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन इतना बड़ा दिया है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको करना पड़ जाएगा, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं बहुत जल्दी तो ज्यादा ईजी है, या फिर अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपको फिर वही है कि कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो यहां पर और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अरिथमेटिक जो था, जिनका भी अरिथमेटिक अच्छा है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि अरिथमेटिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, अरिथमेटिक ऐसा कोई कंफ्यूजिंग या फिर वैसा कुछ नहीं दिया था, सिर्फ कैलकुलेशन था, ऑप्शन भी क्लोज थे, बस यही था। लेकिन एडवांस में जो क्वेश्चन थे उसमें भी कुछ नया नहीं था, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया फिरा गया था, यही था। ज्योमेट्री, अब सेकेंड नंबर पे आते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन ईजी था, लेकिन कुछ क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया गया था। तो ज्योमेट्री में देखिए हर बार यही है, फिर नया आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है? ज्योमेट्री में एडवांस एक ऐसा चीज है जहां पर क्वेश्चन आपको नया देखने को मिल सकता है, नया कंसेप्ट मिल सकता है, अरिथ में आप क्या ही कर सकते हैं। फिर आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन काफी कैलकुलेटिव, ऑप्शन भी बहुत पास पास, तो यहाँ पर कैलकुलेशन स्किल सिर्फ चेक हो रहा है, आपका बेसिक स्ट्रांग है और कैलकुलेशन अच्छा है, तो फिर आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। फिर आता है नंबर 4, डीआई। डीआई का अगर बात करें तो डीआई इस बार काफी, मतलब उसमें भी कैलकुलेशन था, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक तो पाई चार्ट वाला दिया हुआ था डीआई में, एक था पाई चार्ट और एक था बार ग्राफ, बार ग्राफ नहीं, हिस्टोग्राम था, हिस्टोग्राम टाइप बनाया हुआ था। तो पाई चार्ट जो था वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, हिस्टोग्राम वाला सही था, इजी था, बट ये कि कंफ्यूज हो जाएंगे आप जब एग्जाम दे रहे हैं, तो आप जब भी एग्जाम दे तो पहले डीआई स्किप कर दें, बाद में करें, क्योंकि पाई चार्ट में जो था वो ऐसा नहीं कि एक के बाद एक, पहले कोई क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 9 है तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 41 में आपको ऐसे मिल जाएगा, हेपाजर्ड दिया हुआ था, तो एक ही बार में सॉल्व करेंगे तो आपको सही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं, फिर ये हो गया मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम में वैसा कुछ टफ नहीं था, नॉर्मल SCF SCM नॉर्मल डिवीजन, वही जो प्री में आया था क्वेश्चन कि 72 से डिवाइड हो रहा है, 88 से डिवाइड हो रहा है, तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। अब आते हैं कि अटेम्प्ट, एक डिसेंट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। तो देखिए इस पेपर में अगर आपका अटेम्प्ट 80, तो एवरेज अटेम्प्ट हो गया, 80 एवरेज अटेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि 70 जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी थे, मतलब कोई भी कर लेगा। 10 क्वेश्चन, 10 से 14 जो थे मॉडरेट, और उसके बाद 14 से 16 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं अच्छे लेवल के थे, ठीक है, थोड़े टफ आप बोल सकते हैं, टफ कैलकुलेशन हिसाब से आप बोल सकते हैं, कैलकुलेशन के कारण आप बोल सकते हैं, ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप अटक सकते हैं फिगर बनाने में, ठीक है। ज्योमेट्री में भी ऐसा दिया गया था कि सर्कल का एक क्वेश्चन था जिसमें दो केस बन रहे थे, ठीक है, केस वन और केस टू, दो केस बना के क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। तो ऐसा है कि मतलब अब जिस समय जो हो जाए, ठीक है, कोई नया कंसेप्ट नहीं देखने को मिला है, जैसा कि यूट्यूब में आप देखते हैं कि बहुत डराया जाता है, तो वैसा कुछ नया नहीं देखने को मिला है, नॉर्मल पेपर था। इसके बाद आते हैं मैथ्स, बस ये आप समझ लीजिए, अगर 80 अगर आप कर रहे तो एवरेज है, बिलो 80 अगर आप जा रहे हैं तो फिर अच्छा अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, बिलो 80 तो अच्छा अटेम्प्ट नहीं है, 90+ अगर अटेम्प्ट है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है, ठीक है, मतलब आप अच्छा स्कोर, मतलब टॉपर में आ सकते हैं, टॉप में आप आ सकते हैं अगर 90+ अटेम्प्ट करके आ रहे हो, और एक्यूरेसी भी अगर आपका अच्छा है, सिर्फ अटेम्प्ट करने से नहीं होगा, एक्यूरेसी भी होना चाहिए। अगर कोई 85 भी अटेम्प्ट करता है या फिर 80 भी अटेम्प्ट करता है लेकिन पूरा एक्यूरेसी से करता है, तो वो भी अच्छा स्कोर माना जाएगा। इस बार आप देख सकते हैं कि स्कोर जो है थोड़ा नीचे ही रहेगा, ठीक है, अगले बार जैसे हुआ था 2019 में 15, 16, 17 में, तो वैसा नहीं होने वाला, इस बार थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि सबको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। टॉपर तो जो होते हैं टॉप 1% में होते हैं, उनको तो फिर भी दिक्कत नहीं है, 95+ या फिर 90+ अटेम्प्ट कर ले जाएगा, नहीं नॉर्मल ऑन एन एवरेज अगर मासेस की बात करें तो सबको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया मैथ्स के बाद, अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश, इंग्लिश कैसा रहा। तो इंग्लिश काफ़ी इजी था, हलवा बोल सकते हैं आप, काफ़ी इजी, ऑलमोस्ट सभी ने 200 अटेम्प्ट किए, ठीक है, 200 अटेम्प्ट करने लगता है। इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं पहले ग्रामर में, ग्रामर, उसके बाद वोकैब, फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो देखिए ग्रामर में देखिए बेसिकली डराया जाता है, ठीक है, लेकिन ग्रामर अगर मैं बताऊँ तो ग्रामर बहुत ही ईजी था। सबसे पहले एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन अगर आप बुक बुक पढ़ते हैं, ग्रामर का अगर आपको नॉलेज भी नहीं है, सिंपली अगर आप बुक पढ़ते हैं, रीडिंग अगर हैबिट है आपका, आराम से आप एरर डिटेक्शन कर लेंगे। बहुत ही मतलब ऐसा एरर था कि मतलब देख के आपको समझ में आ जाए, कुछ ही क्वेश्चन होगा जहाँ पर रूल्स लग रहे थे, कुछ ही क्वेश्चन में जहाँ पर आपको रूल्स का आइडिया होना चाहिए, बाकी जो ऐसे क्वेश्चन थे 2019 के तरह ही सिमिलर। देखिए इंग्लिश हर बार 1918 हो या फिर 2020 कभी हो, कभी भी टफ नहीं दे रहे वो लोग सिर्फ मैथ्स टेस्ट करना है इंग्लिश, लेकिन ऐसा नहीं कि इंग्लिश का आपको नॉलेज, इंग्लिश पढ़ना ही नहीं, इंग्लिश का अगर नॉलेज रहेगा तभी आप कर पाएंगे इजीली, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे, और इसमें भी अगर आप कम लाते हैं तो फिर रेस से आप बाहर हो जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इसमें भी दोनों मतलब एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही ईजी थे, इसमें कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं दिया गया था, बस यही था। वोकैब में बहुत ही इजी वोकैब दिए गए थे, स्पेलिंग जो थे इजी थे, ठीक है, सिनोनिम, सिनोनिम एंटोनिम जो पूछे गए थे वो भी बहुत टफ नहीं थे, सिनोनिम एंटोनिम भी इजी थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी, मतलब सब कुछ ही प्रीवियस ईयर था, एक दो आपको नया तो देखने को मिलेगा ही, एक से दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स नए तो देखने को मिलेंगे ही, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने पढ़ के जा रहे हो, OW, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एडियम्स। अब आता है रीडिंग कम्प्रिहेंशन, तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन में देखिए सबसे पहले बात करेंगे PQRS, PQRS बहुत ही आसान दिया हुआ गया था, मतलब आप देख के समझ जाएंगे कि किसके बाद क्या पैटर्न आ रहा है, ऑप्शन से आप कर लेंगे आराम से, ऐसा कुछ टफ नहीं था कि आपको पैराग्राफ कैसे बनेगा समझ में आया, ऑप्शन अगर आप फॉलो करते हैं तो आराम से आप कर लेंगे।
कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर रीडिंग कंपटीशन में आते हैं, तो रीडिंग कंपटीशन का जो पार्ट था वो भी उतना टफ नहीं था। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर नहीं करते तो फिर दिक्कत है, करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग कंपटीशन भी कोई ज़्यादा टफ नहीं था। क्लोज टेस्ट भी नॉर्मल था, लेकिन मिस्टेक कर सकते हैं आप, ऑप्शन जो थे क्लोज थे कुछ कुछ, तो कुछ मिस्टेक जा सकता है। तो इसमें देखिए 200 तो अटेम्प्ट हमने किया, और नहीं भी किया तो 190 प्लस तो सबका है ही, लेकिन एक्यूरेसी मैटर करता है इंग्लिश में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसमें आपको मिनिमम जैसा पेपर था 170 प्लस तो लाना चाहिए, मिनिमम इतना तो होना चाहिए। अगर आपका स्कोर 180 प्लस है तो बहुत बढ़िया, और मैक्सिमम बच्चे 180 प्लस स्कोर करेंगे भी, जैसा पेपर था 2019 का तरह पेपर था। अब आता है ओवरऑल, आप 400 में ओवरऑल कितना आपको लाना है। तो देखिए अगर हम मैं कॉम्बाइन करके बताता हूँ, मैथ्स हिसाब से था, इंग्लिश तो ईजी था, तो अगर कॉम्बाइन स्कोर देखा जाए तो मैं रियलिटी बताऊंगा आपको। तो देखिए कॉम्बाइन स्कोर 330 एक डिसेंट स्कोर माना जाएगा, मतलब एवरेज तो इतना आएगा, मैक्सिमम बच्चों का इतना आ जाएगा जितना भी है। लेकिन जो इससे मतलब जो अच्छे हैं, जिनको नौकरी मिलेगा, ठीक है, और फिर जो अच्छे हैं तो उनको 350 लाना इस बार उतना आसान नहीं है, ठीक है, 350 प्लस उनका आएगा, ठीक है, 350 इस बार लाना उतना आसान नहीं है जितना कि 2019 में था। 2019 में कोई भी आराम से, क्योंकि नॉमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ था, इस बार मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। तो बस यही एनालिसिस था, और इससे क्या समझ में आता है आगे के एग्ज़ाम के लिए, क्या समझ में आता है कि आपको ज़्यादा एडवांस लेवल या फिर बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है मैथ्स के, ठीक है। मैथ्स में एक ही फॉर्मूला होना चाहिए, बेसिक्स स्ट्रांग रखिए, कंसेप्ट पूरा होना चाहिए, प्लस कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। और कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, कैलकुलेशन आप मॉक के थ्रू करेंगे, ठीक है, मॉक अगर देंगे तभी कैलकुलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप ऐसे कर रहे हैं सोच रहे नहीं, मॉक में आपको अप्लाई करना है, उस टाइम फ्रेम में करना है, जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है उस टाइम फ्रेम में ही आपको कंप्लीट करना है। 2 घंटा बहुत मैटर करता है, 2 आवर। तो अगर आप 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि वीक में एक टीयर टू का मॉक जरूर दें, मैथ का एटलीस्ट, इंग्लिश का ना भी दे तो चलेगा, ठीक है, मैथ्स का एक टीयर टू का मॉक जरूर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे भी मैं वीडियोस बनाते रहूँगा, और आप भी सजेस्ट करें कमेंट्स में किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।